ये है अपना बैग जो कि पैक हो चुका है। ये तो बड़ी दुविधा हो गई मेरे दोस्त। हेलो, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। बाय द वे, मैं इस तरीके से ऐसे क्यों बैठी हूँ, अजीब तरीके से, क्योंकि आई एम सिटिंग लाइक एक पैर पे। और आज है संडे, मतलब 13 दिसंबर, और कल है मंडे जिस दिन मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। तो ट्रैवल करने से पहले क्या होती है, पैकिंग होती है, और मेरी अर्ली मॉर्निंग, मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, मतलब 6 बजे मुझे निकलना होगा घर से। सो इसलिए मुझे अभी सब कुछ काम ख़त्म करना है बिफोर, लाइक रात को जल्दी भी सोना है तो मुझे जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना है। सो राइट नाउ आई एम डूइंग पैकिंग, और पैकिंग के लिए बस कुछ नहीं किया है, सिर्फ वार्डरोब खोल के रखा है और सोच रही थी कि क्या लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ। बाय द वे, हिमाचल नहीं जा रही हूँ। यस, तो कहाँ जा रही हूँ और कितने दिनों के लिए जा रही हूँ सब कुछ पता चल जाएगा। बाय द वे, अभी पहले पैकिंग तो करते हैं ना यार, लेट्स गो, लेट्स डू दिस। क्योंकि मैं 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ तो उस हिसाब से कपड़े रखने वाले हैं अपन। तो यस, ये बैग मुझे लगता है बड़ा ही हो रहा है, बट इससे छोटा वाला है नहीं मेरे पास रुकसैक, तो क्या कर सकते हैं, चलो अब इसी में डालते हैं। सो सबसे पहले तो ये मेरी डाउन जैकेट, क्योंकि ठंड जब दिल्ली में बढ़ गई है तो दिल्ली से बाहर निकलते ही, पहाड़ों के पास जाते ही तो ठंड बढ़ी जाएगी ऑब्वियसली। तो ये उसके लिए डाउन जैकेट रख लिया मैंने अपना। एंड मैं ऐसे क्या करती हूँ, ऑब्वियसली रुकसैक में तो रोल कर करके रखने पड़ते हैं, और क्योंकि अभी विंटर है तो विंटर में थोड़ा ज़्यादा ये हो जाते हैं कि वुलन वाले जो कपड़े हैं उनके वेट थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ अ स्वेट शर्ट, तो सारे स्वेट शर्ट्स को सबसे पहले ऐसे रोल कर करके, क्योंकि ये ज़्यादा दिन का ट्रिप नहीं है तो मैं स्वेट शर्ट ले जा सकती हूँ। ज़्यादा दिन का होता तो ज़्यादा स्वेट शर्ट भी नहीं रख सकते, अदरवाइज़ वही पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, बाकी किसी चीज़ को फिर जगह ही नहीं मिलती है। एंड दीज आर द टाइट्स, जो कि बॉटम कह लो आप। यस, तो मेरे बॉटम कहाँ गए, एक ये रहा, दो ये रहे, ये तीन मेरे बॉटम हो गए। ये तीनों बॉटम रखेंगे हम साथ में यहाँ पर, ओके। एंड ये एक टी शर्ट है जो कि रात में पहनने वहनने के लिए लग गया, तो एक टी शर्ट आ गया। एंड दिस इज़ वन टॉप जो कि मैं इसके ऊपर फिर कुछ डाउन जैकेट के साथ इसको पहन लूँगी। एक डेनिम रख रही हूँ बिकॉज फोटोग्राफी के लिए यार करना पड़ता है, क्या करोगे, फोटो सेशन के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। सो मैंने रखे 4 जोड़ी कपड़े जस्ट इन केस कुछ कम पड़ जाए तो एक जोड़ी और रख लेते हैं यार, क्योंकि क्या है ना, लड़कियों का ऐसा मन नहीं भरता है ना कपड़ों से, एक और करके। अब देखो 5 दिन का ट्रिप है, 4 दिन, चार दिन का ट्रिप है, उसमें 5 कपड़े अगर ना रखें तो मतलब हम कैसी हम लड़कियां हो गए, मतलब हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तो वो करना ही पड़ता है, क्या करें, अब आदत से मजबूर है हम, आदत से मजबूर। अब उसके बाद हम सबसे लास्ट में इधर पे रखेंगे अपने अंडरगारमेंट्स, जो कि ऑब्वियसली बेहद ज़रूरी होते हैं, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे। हाँ जी, अब उसको दिखाती नहीं है क्योंकि क्या ही दिखाना है यार उसको, ऐसा कोई थोड़ी, मतलब सब थोड़ी दिखा देंगे आप। ओके, तो ये हो गया। एक है मेरी कैप जो कि ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है धूप वूप में, तो एक कैप भी रखी है। सॉक्स जिसके अंदर चश्मा है हमारा, चश्मा भी, मेरा टॉयलेट्रीज का पाउच आने वाला है, सो लेट मी गेट माई टॉयलेट्रीज का पाउच फर्स्ट। आए हाय, क्या मस्त धूप आ रही है रूम में, एकदम अच्छी वाली। बाय द वे, दिस इज मेकअप का पाउच, एक्चुअली मेकअप के नाम पे सारा टॉयलेट्रीज भी इसी में मैं डाल लेती हूँ, मतलब मेरा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड आई क्रीम और सारी चीज़ें जो भी मैं यूज़ करती हूँ, जो एक चीज़ लगती है, बॉडी लोशन, कोम और थोड़ा सा मेकअप का, लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, जो 2-3 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, वो भी सारी चीज़ें मैंने इसमें कर ली है पैक। अब ये भी जाएगा इस बैग के अंदर,
तो ये सब चीजें आ गई। और एक चीज जो कि है स्लिपर्स, वो इसमें मैंने डाली है, तो स्लिपर्स को हम साइड वाले जिप में रखेंगे बिकॉज स्लिपर्स की जरूरत पड़ जाती है हर टाइम, आप शूज पहन के तो नहीं रह सकते हो, तो स्लीपर एक रखना ही चाहिए जिसको आप जरूरत पड़े तो पहन लो। ओके सो प्रिटी मच, और ये सारी चीजें आ गई है, ये वाला बैग हमारा हो जाता है पैक। ज्यादा इसमें कुछ सामान आएगा नहीं, क्योंकि मैं भूल गई कि मुझे हर दिन व्लॉग करने हैं तो मुझे लैपटॉप ले जाना है, ये मुझे याद है, पर मुझे ये याद नहीं है कि जिस बैग पे मैं लैपटॉप की जगह अपने खाने पीने की चीज़ें रखती थी, अब वो जगह मैं किस बैग में बनाऊं, तो मुझे एक और बैग रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि मेरे पास हो जाएंगे तीन तीन बैग, इसका मतलब कि मेरे को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये भी बैग पैक है, ये भी बैग पैक है, और तीसरा भी मैं बैग पैक कैसे ले लूँ, आई मीन कैसे, ये तो बड़ी दुविधा हो गई मेरे दोस्त। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई ऐसा ट्रॉली बैग ले जा नहीं सकती हूँ बिकॉज बैकपैक ही ले जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। दूसरी बात, लैपटॉप चार्जर कैमरा ट्राईपॉड, ये एक इसका एक बैग होता ही है, इसका एक डेडिकेटेड एक बैग चाहिए, इसमें हम कुछ और नहीं ठूस सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर उसमें जगह ही नहीं बचती है, सो वो भी नहीं कर सकते। ओके सो थोड़ी देर में ये सब कुछ सॉर्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसा कुछ हो पाता है, कैसे मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि एक बैग एक्स्ट्रा आई कांट अफोर्ड, नहीं हो सकता, चार दिन के ट्रिप के लिए चार तीन तीन बैग लेकर जाऊँगी। ओके सो इसकी ये वाला बैग मेरा पैक हो चुका है, इसमें मैंने कुछ अभी नहीं किया है, बस इसमें मैंने खाने की कुछ कुछ चीज़ें रख ली है जो मैं जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, अदर देन दैट पानी की बॉटल जो है अपनी वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड व्हाट डू वी हैव, हाँ इस बैग में सामने के चेन पे मैंने रखा है मेरा सैनिटाइजर एंड एवरीथिंग जो कि रीचेबल हो सबसे आगे, तो यहाँ पर वो है, यहाँ पर मेरा वॉलेट है, पावर बैंक है, और जो मेरे कैमरे का चार्जर वगैरह मैंने यहाँ पर रख दिया है, कैमरा मैंने इस बैग में डाल दिया है अच्छे से उसको उसके बैग में डाल के। एंड यहाँ पर हमारा है बस अब मैं यहाँ पर लैपटॉप डालूंगी, यहाँ लैपटॉप का चार्जर आएगा बिकॉज लैपटॉप पे अभी कुछ काम मेरा बाकी है, वो मैं काम करके फिर इसमें रख दूंगी। एंड देन दिस माय बिनी, बिनी को इसके अंदर डालना है, एंड दिस ट्राइपॉड, ये भी इसके अंदर ही जाएगा द मेडिकल किट। सो एवरीथिंग इज़ डन सॉर्टेड, पैकिंग फुल ऑन डन हो चुकी है। सो यस, पैकिंग हो गई है हमारी पूरी, अभी बज रहे 7:30, आज का वीडियो अपलोड हो गया है, अपलोड पे लगा के रखा है, वो अपलोड हो रहा है, कल का वीडियो मतलब ये जो मैंने आज शूट किया इसको भी एडिट करना है, तो आई सी वाइल ट्रैवलिंग मैं कर लूँगी टाइम मिलेगा तो। एंड यस सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन, अब मुझे अपने लिए कुछ खाने का बनाना है बिकॉज अब भूख लग रही है, कुछ बनाते हैं खाते हैं और उसके बाद सो जाएंगे जल्दी आज बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना है। एंड या तेल वेल लगाया बालों में इसलिए थोड़ा चिपकू चिपकू लग रही हूँ। विद दैट नोट यस इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और कल क्या होगा वो कल के व्लॉग में आएगा, सो या स्टे ट्यून फॉर दैट, और कहाँ जा रही हूँ ये भी आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा, सो स्टे ट्यून, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू नो द ट्रिल, यस सब्सक्राइब like and comment below, and yeah, we'll see you tomorrow.